नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। कुक विद पूर्णिमा। आइए आज हम बनाते हैं छोले। तो छोले बनाने के लिए इन्हें रात भर भिगो के रख लें, अगर शाम को बनाना है तो सुबह भिगो के रख लें। इसमें हम मिलाएंगे दालचीनी और तेज़पत्ता। तो दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े करके हमने इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे तेज़पत्ता। और इसमें पानी डालकर हम इसे कम से कम 3 सीटी डाल लेंगे। इसमें थोड़ा नमक भी ज़रूर डालें। नमक डालने से इसमें छोले में जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो लीजिए, थोड़ा थोड़ा हम इसमें नमक भी डाल देंगे। तो उबालते समय दालचीनी, तेज़पत्ता और थोड़ा थोड़ा सा नमक ज़रूर डालें। इससे जो है छोले बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं, इसमें खुशबू और स्वाद भी आ जाता है। इसे कुकर में 3 सीटी पका लेंगे। हमें चाहिए इसके लिए प्याज, 2 मीडियम प्याज, 10-12 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 मीडियम प्याज और 2 हरी मिर्चें, 2 मीडियम टमाटर और हरा धनिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करके जो 2 मीडियम प्याज है इसे हमने बारीक काट लिए, इसे अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो ये जो है प्याज जब गोल्डन ब्राउन भून जाए तब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए छोले अच्छे से बॉईल हो गए हैं। इसमें से जो है दालचीनी और तेज़पत्ता हमें निकाल लेना है। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करते हैं। फ्राई करने के लिए हमें चाहिए तेज़पत्ता, दालचीनी, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, ठीक है। तो जब तेल गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे जीरा। जब जीरा भून जाए इसमें डाल देंगे तेज़पत्ता। उसके बाद दालचीनी, दालचीनी को कूटकर थोड़ा छोटे टुकड़ों में कर ले, दालचीनी मिला देंगे। दालचीनी के बाद में हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब प्याज अच्छे से भून जाए तो हम मिला देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी अच्छी तरह से चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि तेल ना छोड़ने लगे। आप चाहे तो ढककर पका सकते हैं थोड़ी देर। अब हम इसमें मिलाएंगे हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और स्वादानुसार नमक। नमक हमें कम ही डालना है क्योंकि हमने जो छोले जब बॉईल किए थे तब भी हमने थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया था, इसलिए नमक थोड़ा सा हिसाब से ही डालेंगे। और फिर इसमें डाल देंगे हम बारीक कटे हुए टमाटर।
अब इन मसालों के साथ टमाटर को बहुत अच्छे से हमें भूनना है। टमाटर गलकर बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार हो जानी चाहिए। तो इसे काफ़ी देर तक, कम से कम 3-4 मिनट तक हमें पकाना है। ये देखिए टमाटर बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे छोले। छोले का हमने पानी अलग कर लिया है और सबसे पहले छोले मिलाएंगे और उसके बाद अंदाजे से जितना हमें पानी की ज़रूरत है उतना पानी हम उसमें मिलाएंगे। तो सबसे पहले छोले मिलाते हैं। इसे करीब 1-2 मिनट तक हमें अच्छे से मिलाना है, पकाना है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, वही जो छोले के साथ बॉईल हुआ था पानी, वही वाला पानी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे उबाल आने तक हमें इसे रखना है, पकाना है। जब सब्जी जो है, जो छोले की, बहुत अच्छे से उबलने लगे तब हम इसमें ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया। तो अब देखिए बहुत अच्छे से उबलने लगी है। अब इसे हम ऊपर से हरा धनिया डालकर अच्छे से मिला लेंगे। तो लीजिए बहुत बढ़िया स्वादिष्ट छोले तैयार हो गए हैं। इसे आप पूरी, भटूरे या राइस के साथ परोस सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। Stay with Cook with Purnima.